गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, जो सब कुछ आप देख रहे हैं, क्योंकि आप सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं सभी जिम्मेदार हैं इस कोताही जो हुई है, उसमें जनता की भी कहीं ना कहीं गलत जिम्मेदारी आती है कि जिस तरह से उन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं किया, लेकिन सरकारों की भी काफ़ी जिम्मेदारी है। मुझे एक बात ही यहाँ पे कहना है कि यह जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, भीड़ में जगहों पे नहीं इकट्ठा होना, और यह जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली होना, टेस्टिंग, ट्रीटिंग और उसके बाद जो ट्रैकिंग, यह हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में प्रदेश सरकारों की बहुत जिम्मेदारी है और उसी की केवल खास जिम्मेदारी है। तो यह जो पिछले 2-3 महीने में जो कोताही हुई है, जो लापरवाही हुई है, जनता की अपनी तरफ से भी हुई है और प्रदेश सरकारों की बहुत बड़ी कोताही हो गई है, मिसमैनेजमेंट हुआ, उन्होंने इस ट्रेजेडी और त्रासदी को पूरी तरह से सबको जिम्मेदार बता दिया। और जब सब जिम्मेदार होते हैं तब कोई जिम्मेदार नहीं होता असल में। लेकिन एक बात मैं आपसे ये समझ लेना चाहता हूं, गोपाल कृष्ण जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि टॉप 6 कंट्रीज फरवरी तक, उनमें केवल हिंदुस्तान ऐसा था कोरोना के केसेस के मामले में जो ऊपर की 6 कंट्रीज थी जिसने दूसरी वेव एक्सपीरियंस नहीं की थी, क्या हम एज अ सिस्टम ये एंटीसिपेट नहीं कर पाए कि क्या आने वाला है? नहीं, देखिए, बिल्कुल यह बात, इसको आने वाला है, इतनी त्रासदी होगी, एकदम सडनली ये होगा, क्योंकि सब जगह रिलैक्सेशन हुई ना, प्रदेश सरकारों से भी हुई और उसमें केवल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए जनता की भी हुई, और लापरवाही जो हो गई सभी जगह पे हुई। केंद्र सरकार को का जो काम था इनिशियल फेज में ज़्यादा था, कोवैक्सीन वैक्सीन्स की प्रोविजन करना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और पहला लॉकडाउन इंटरनेशनल लेवल पे स्ट्रॉन्गली लाया, लेकिन जो रेमडेसिविर होना, यह सब वैक्सीन का डेवलपमेंट केंद्र सरकार ने किया, लेकिन जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इस वक्त ये जो वेव कितनी बड़ी होगी ये तो कोई भी नहीं एंटिसिपेट कर सकता था, लेकिन उसके लिए जो तैयारी की आवश्यकता होती थी, जो लापरवाही की, उसके लिए तो मेरे ख्याल से प्रदेश सरकारें ज्यादा जिम्मेदार है और जनता को भी इस बात के लिए अवेयर नहीं किया, ये तो केंद्र और प्रदेश सरकारों को भी अपना जिम्मेदारी। कही हुई बात का लब्बो लुआब लेकर जानता हूं मैं अब आलोक जी के पास, सब जिम्मेदार हैं आलोक जी? देखिए, मैं समझता हूं कि बिल्कुल अगर ये बात केंद्र सरकार मान लेती तो मुझे लगता है कि आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, और उसमें मीडिया भी शामिल है। 2 महीने जब सुशांत राजपूत चल रहा था और 2 महीने तक रिया चक्रवर्ती चल रही थी, तो अगर सरकारों को घेरा गया होता मीडिया के द्वारा तो मुझे लगता है कि शायद और मदद मिल पाती। जहाँ तक बात अभी गोपाल जी की बात है, राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, फेडरल स्ट्रक्चर, अरे भाई, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाया केंद्र सरकार ने, GST का पैसा आप केंद्र सरकार दे नहीं रही है, बजट में सेस लगा दिया पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार ने, और जिम्मेदार सब राज्य सरकारें। मैं किसी राज्य सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस BJP में राज्य सरकारों को नहीं बांटना चाह रहा हूं मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि अंधेर नगरी और चौपट राजा दिन में तो पूरी 2-2 लाख की रैलियां कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, बिना मास्क लगाए विदेशों तक में वोट मांगने चले जाएं, और फिर शाम को आके कहें 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, तो कौन सुनेगा भाई? अंधेर नगरी चौपट राजा, यथा राजा तथा प्रजा। आप मुझे केवल ये बताइए, 3-4 दिन पहले तक वैक्सीन एक्सपोर्ट क्या राज्य कर रहे थे? क्या गुजरात और महाराष्ट्र वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर रहे थे? क्या जो वो लाइफ सेविंग इंजेक्शन है उसका 3 दिन पहले तक जो एक्सपोर्ट हो रहा था उसको भी क्या हरियाणा और पंजाब कर रहे थे क्या? मुझे लगता है कि केंद्र सरकार, क्योंकि बहुत ज़्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण मोदी जी हैं हमारे, फरवरी में डिक्लेयर कर दिया हम तो जीत गए, हमने पूरी वार जो है, लड़ाई जो है, हमने जीत ली है पूरी, और हमारा वी शेप करवा गया है, यू शेप करवा गया, और पता नहीं क्या क्या आ गया है, कोई प्लानिंग नहीं हुई। 1.25 साल हो गया, एक नेशनल लेवल पे ना मेडिकल एक्सपर्ट्स की कमेटी बनी, ना पॉलिटिकल लोगों की कमेटी बनी, ना हेल्थ मिनिस्टर्स की कमेटी बनी। होना ये चाहिए था कि विदेशों में भी, क्योंकि विदेशों से बीमारी आई, वहाँ पक्के डॉक्टर्स को भी इन्वॉल्व करके एक कमेटी बननी चाहिए थी, वहाँ तक भी नहीं हुआ। लेकिन हमें केवल ये बता दीजिए कि जो आज आंकड़े प्रस्तुत BJP कर रही है वो भी सारे झूठे कर रही है। अभी तक गुजरात और UP में जिस तरह से आंकड़ों को छुपाया जा रहा था, आज हालत ये हो गई है
कि जो निगमबोध घाट जो लखनऊ का है वहां पर टिन शेड लगा के उसको रोका जा रहा है कि कितनी अभी तक कही हुई बातों पर जरा मैं अभी सार संक्षेप ले लेता हूं। आपने बहुत अहम बात कही, मीडिया के संदर्भ में भी कही आपने, लेकिन एक मूलभूत फर्क है सर, मीडिया वोट लेने नहीं जाता, मीडिया लोगों से तमाम तरह की प्रोमिसेस करके वोट लेने नहीं जाता और हर तरीके के लिए पहले वोट से पहले अपने आप को कि हर रेमेडी मेरे में है और वोट के बाद ये कि तुम खुद जिम्मेदार हो, ये मीडिया नहीं करता। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।